हे गाइस, तो आ चुके हैं हम नवोखाल के होटल में और सबके साथ खा रहे गाइस चिली पटेटो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी आ रखी है बहुत ही प्यारी सी धूप, तो मतलब धूप सेक रहे थे और वीडियो अपलोडिंग पे रखी थी मैंने, तो जस्ट अभी वीडियो अपलोड हुई है तो मैंने सोचा कि अब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, मैं आ चुका हूँ नहा धो के, मतलब नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है। सो गाइज, आज तो फिलहाल कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो आज मम्मी पापा जाएंगे गाइज भाई के ससुराल, क्योंकि वहाँ मतलब भाभी के ताऊजी का रिटायरमेंट है चिंगलाज से, तो वहाँ पार्टी आज रात को, तो वहाँ जाएंगे। एंड मैं आज घर पे ही रहूँगा, तो मतलब अभी कोई पता नहीं, मैं भी जा सकता हूँ तो कोई कन्फर्म नहीं है मेरा भी। एंड गाइज, आपको मेरा ये ब्लू तो दिख रहा होगा कि इसे रबड़ बांध रखे मैंने, तो मतलब ये कल ना टूट गया था, तो फिर मैंने इसको चिपका के ऐसे रबड़ बांध रखे, तो अभी थोड़े दिन मतलब कुछ टाइम बाद निकाल दूंगा इस रबड़ को, तो चिपक जाएंगे तब तक। तो गाइज, मम्मी पापा जा रहे हैं आज वहाँ, तो मतलब स्कूटी भी जा रही है, सो मतलब पापा मम्मी जा रहे हैं स्कूटी में, तो मतलब आज बिना स्कूटी के ही रहूँगा। तो आज वैसे भी केक का ऑर्डर नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आ भी जाएगा तो, और स्कूटियाँ हैं तो एडजस्ट कर लेंगे हम कहीं भी। गाइज, आज आ रही है बोरियत सी आ रही है मतलब घर पर, क्योंकि आज ना मार्केट नहीं गया, मार्केट जाता हूँ तो थोड़ा रहता है, फ्रेश रहता है माइंड, घर पे लेटे लेटे ना फिर वही फ़ोन को कब चाहते रहो, सुबह से लेकर शाम तक कब चाहते रहो, तो यही सीन हो जाता है। एंड आज कोई मैच भी नहीं है, नहीं तो मैच देखने चलते हैं हम। गाइज, अभी चलते हैं हम गाँव में घूमने, और गाइज फिर मिलते हैं आपसे। हे गाइज, तो अब आ चुका हूँ मैं बिजी होकर घर पे, और हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबके सब सीख रहे हैं आज, तो मतलब मेरे को भी थोड़ा बहुत ही आता है। विवेक तो हमारा ये सिंगर है, तो इसको सब कुछ आता बजाने में जाना, और ये तो फिर ये तो खत्म, ये कुछ नहीं, ये इसको कुछ नहीं आता, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी थोड़ा बहुत हम सीखते हैं, और आपको एक गाना सुनाते हैं अच्छा सा, विवेक सुनाएंगे, है ना। अभी सीख रहे हैं विवेक, सीख जाएगा कुछ दिनों में, कुछ नहीं बजाने से पकड़ना। हे गाइस, तो थोड़ा प्लान चेंज हो गया है गाइस, मैं भी जा रहा हूँ पापा लोगों के साथ रिंगवाड़ी, मतलब तीनों की स्कूटी में जाए। एंड गाइस ना, उसके बाद में एक केक ऑर्डर आ गया था अचानक से, फिर पापा ने बोला कि तूने भी चलना है, फिर क्या हुआ कि जल्दीबाजी हो गई थी, फिर उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। सो अब आ चुका मैं गाइस सड़क पे, गाड़ी स्टार्ट की है मैंने, एक बैग गया है ऊपर, अंदर केक भी रखा है, तो थोड़ा सा लोड है गाड़ी, पुल तक मम्मी पापा आएंगे, देन वहाँ से मैं केक देके संगलाकोटी से फिर वापस आऊँगा, फिर तब चलेंगे हम साथ में। तो गाइस, अभी मैं वेट कर रहा हूँ मम्मी पापा का, तो मम्मी पापा आएंगे देन उसके बाद निकलेंगे हम रिंगवाड़ी के लिए। तो गाइस, मम्मी पापा भी आ गए हैं, अब हम सब रेडी हैं, तो जल्दी से चलते हैं और फिर मिलते आपको अब रिंगवाड़ी गाँव में। तो गाइस, मैं आ गया हूँ पुल में, पापा जी मम्मी चला रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं झरना देवी में, और यहाँ पे भीड़ चल रही है मम्मी पापा, देन अब यहाँ से मतलब ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर है। तो गाइज, यहाँ पे बहुत प्यारी सी मूर्ति है तिली रौतेली जी की, आप देख सकते हो, वीर वाला तिली रौतेली स्मारक स्मृति अमृता रावत, तो बहुत प्यारी है, बहुत पुरानी और बहुत ही प्यारी मूर्ति है। और ये रहा आपका झरना देवी, ये मंदिर है गाइज झरना देवी का, और यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ से गुरुद्वारे गाइस 88 किलोमीटर। सो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं रिंगवाड़ी गांव में, और ये रहा गांव, यहाँ चलेंगे ऊपर
तो अभी पहले गाड़ी साइड करते हैं, देन उसके बाद चलेंगे गाइस हम ऊपर के लिए। तो गाइस हम रास्ता लग गए हैं, सुमित लोग आ गए थे हमें लेने के लिए, आगे के जा रहा सुमित बैग लेके और मम्मी और आ रही पीछे से। तो काफ़ी चढ़ाई है तो थक लग जाती है ऐसे में, बस घर आने वाला है, फिर मिलते हैं आपको वहाँ पे। तो गाइस हम घर में पहुँच चुके हैं और सुमित से पेट रखे, तो मम्मी पापा लगेंगे टीका। पापा जी गाइस तो टीका वगैरह हो चुका है अब, जिनका रिटायरमेंट था मतलब बड़े ससुर जी का, तो अब हम चारों बता रहे चौबट्टा खाल घूमने, तो अब मिलेंगे गाइस आपको चौबट्टा खाल में। तो चलते हैं, मतलब शाम को बोरे तो जाते, मैं घर में बोरिंग ही होना था, इससे अच्छा घूम के आ जाते हैं। सो ये गाँव तो आपने देख ही रखा है, पिछली बार आपको दिखाया था मैंने, बाकी ऊपर ऊपर भी गाँव है तो टाइम मिलेगा तो तब वहाँ भी चले जाएंगे, देखते हैं क्या सीन होता है। हे गाइस तो हम पहुंच चुके हैं चौबट्टा खाल के कॉलेज के गेट के सामने और यहीं पे हैं हम और मेरे साथ है गाइस सौरभ। तो अभी मतलब वो नीचे यहीं पे रुक गए हैं आधे रास्ते में ढाबे में, तो अभी हम जा रहे हैं गाइस ढाबे के पास, तो हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे मिल गया हमें दो छोटू राम, क्या नाम क्या था, कहाँ से तू, मझगांव का, अच्छा अब ये नाम क्या था, चलिए हवा है तुम क्या नाच होगा बेटा, वो खिलना था, अच्छा ठीक ठीक ठीक। हे गाइस तो आ चुके हैं हम नवो खाल के होटल में और सबके साथ खा रहे गाइस चिली पटेटो, टीम बैठ रखे हैं तो अब जल्दी से चिली पटेटो खाते हैं, बाकी यहाँ ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर जल्दी से घर पे निकलेंगे क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है गाइस, तो मिलते हैं आपको घर पे फिर। हे गाइस तो मार्केट से घर आने में थोड़ा टाइम लग गया था, अंधेरा हो गया था, तो फिर अब हम खाना वाना खा के सोने की तैयारी है। इधर है मम्मी और बस मैंने बेड वेड लगा दिया है, मतलब सोने की तैयारी हो चुकी है। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो अगर आप लोग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।